अस्सलाम वालेकुम। और मैं आए भी वॉशिंग मशीन का रिव्यू करूंगी। ये सेनोरिटा एक्वा फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है, 6 kg की है। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसे लगभग हमने 4-5 साल पहले खरीदा है इस वॉशिंग मशीन को। इसके फीचर्स क्या हैं और कैसे कपड़े धुलते हैं और इसका मेंटेनेंस कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफ बटन है, अब घुमाने से ऑन होगा। अपने आप ही टाइमिंग शो करता है इसके अंदर। ये कोल्ड पानी में धोएगा लाइट सॉलिड कपड़े, 1 घंटा 16 मिनट लेंगे। और नेक्स्ट नॉर्मल सॉलिड वाले कपड़े, ये 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होगा, 1 घंटा 52 मिनट लेगा। हैवी सॉलिड वाले कपड़े 60 डिग्री पे पानी गर्म होगा और 1 घंटा 55 मिनट्स लेगा। और नेक्स्ट वाइट वाले कपड़े, कॉटन के लॉन्ड्री को देते हैं ना वाइट वाले कपड़े, वो इस पे धो सकते हैं आप। 95 डिग्री पे पानी गर्म होगा, लगभग 2 घंटे 29 मिनट्स लेंगे धोने के लिए। पे नेक्स्ट ये देखिए स्टेन वाले कपड़े, ये दोनों सेम रहता है। यहाँ पे पार्टीशन यहाँ आता है, देखिए यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 40 डिग्री सेल्सियस है। ये नॉर्मल सॉलिड है। यहाँ पे स्टेन वाले कपड़े, यहाँ पे भी कपड़े थोड़ा देर से धुलेंगे और पावर कंजप्शन भी कम होगा। स्टेन वाले कपड़े 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होगा, 2 घंटे 21 मिनट्स लेंगे, ये 2 घंटे 31 मिनट्स लेता है। नेक्स्ट रेन वाला ऑप्शन है, 2 मिनट लेगा। एडिट्यूज रिंस प्लस स्पिन ये दिया है, इसका मतलब क्या है? बाहर आप कपड़े धोए हैं, उन्हें निचोड़ना चाहते हैं या फिर नीली डालना चाहते हैं या फिर कंफर्ट फैब्रिक डालना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन है ये, इस पे आप डाल सकते हैं। स्पिन ड्राई ऑप्शन है, आप कपड़े बाहर धो के उसे साफ पानी से भी निचोड़े हैं और ज़्यादा उसे निचोड़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में आप डाल सकते हैं। पूरी तरह से पानी बाहर निकल के आएगा, सिर्फ निचोड़ेगा, ये पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेगा, कपड़ों को स्पिन करके निचोड़ेगा और ड्राई भी हो जाएंगे कपड़े। और टू क्लीन भी ऑप्शन है, महीने में एक बार आपको इसे क्लीन करना होता है, सिर्फ कुछ भी अंदर कपड़े नहीं डालना है, यहाँ डिटर्जेंट भी नहीं डालना है, सिर्फ चालू करना है मशीन को, अपने आप ही टू क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेलिकेट्स कपड़े हैं, जो बहुत ही नाजुक वाले कपड़े हैं ना, हैवी वर्क वाले 6 कपड़े, वो इसमें आप धो सकते हैं। थोड़े ही कपड़े डालना चाहिए, पूरी वॉशिंग मशीन भर के कपड़े नहीं डालना है। तो आप इसे सेट करेंगे तो 52 मिनट्स लेगा ये, 30 डिग्री पे पानी गर्म होगा। अब नेक्स्ट ये मिक्स फैब्रिक वाले कपड़े हैं, सभी आप कॉटन सिंथेटिक सारे कपड़े इसमें डाल सकते हैं। ये 1 घंटा 8 मिनट लेगा धोने के लिए, 40 डिग्री पे पानी गर्म होगा। उलन वाले कपड़े यहाँ पे धोने का है, स्वेटर वगैरह इसमें आप धो सकते हैं, 52 मिनट्स लेगा, 30 डिग्री पे पानी गर्म होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बेबी वॉश, बच्चों के कपड़े धोने के लिए 60 डिग्री पानी गर्म होगा, 2 घंटे 13 मिनट्स लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेस वॉश, या आप उतना ज़्यादा गंदे नहीं भी कपड़े डाल सकते हैं, जिम के कपड़े कोई भी ज़्यादा गंदे नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही धोना है, वो आप इस ऑप्शन पे डाल सकते हैं, 15 मिनट लेगा, 30 डिग्री पानी गर्म होगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक कपड़े, ये ठंडे पानी में धोगा, 1 घंटा 11 मिनट लेगा। आप चाहे तो इसे प्री वॉश में भी रख सकते हैं, अगर आप प्री वॉश का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर और ज़्यादा टाइम ऐड हो जाएगा। ये देखिए पहले कहता था 16 था, अब 33 हो गया, निकाले तो निकल जाता है। उसके बाद सोकिंग का, आप इसमें सोक करके भी रख सकते हैं, ये ऑप्शन आप दबाएंगे तो इसमें सोकिंग ऑप्शन भी ऐड हो जाएगी, इसमें टाइमिंग ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा रिंस है, आप एक्स्ट्रा रिंस करना चाहते हैं तो इसे प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा रिंस होगा। और रिंस होल्ड वाला है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालते हैं ना, उसके बाद ये भी ऑप्शन आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो लास्ट का जो पानी लेता है ना साफ पानी, उसमें ही कपड़े होल्ड होके रहते हैं, ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ होता है। यहाँ पे आप स्टार्ट मारना चाहिए तो चालू हो जाएंगे लास्ट का पानी, आप जब चाहें तब उसे धो के निचोड़ सकते हैं, ऐसा है इसके अंदर ऑप्शन। यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पिन होने का ऑप्शन है, और ये डिले स्टार्ट वाला है, इसे आप प्रेस करेंगे तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े पाउडर सब कुछ डाल के रखेंगे, उसके बाद आपको कब धोना है तब इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अब जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग के हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे ऐड होते जाएगा, उस टाइमिंग पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ही वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पाउडर डालने का चेंबर है, ये प्री वॉश मैंने आपको बताया था ना,
प्री वॉश के लिए यहाँ पे आप पाउडर डालेंगे तो वॉशिंग मशीन जब ऑन होती है ना यहाँ पे पानी गिरता है तो प्री वॉश का पाउडर अंदर जाता है। पाउडर नहीं भी डालना चाहते प्री वॉश का ऑप्शन रख सकते हैं। इस चेंबर में आप नील और कम्फर्ट फैब्रिक डाल सकते हैं। इसमें पाउडर डालेंगे सर्फ एक्सेल का मैटिक पाउडर है, फ्रंट लोडेड का है, फ्रंट लोडेड का ही डालना चाहिए, दूसरे इसमें नहीं चलते। इसका लिक्विड भी मिलता है, लिक्विड ख़त्म हो चुका है, मैं लिक्विड नहीं डाल रही, पाउडर ही डाल रही हूँ। यहाँ पे पाउडर डाल दूंगी, इसे नॉर्मल वॉश के लिए, प्री वॉश के लिए यहाँ पे डालना चाहिए। अब इसे बंद करूँगी। कपड़े डालने के बाद स्टार्ट करने का है, इसे ऐसे खोलना चाहिए, ऐसे प्रेस करके इस तरह से खोलना चाहिए, इस तरह से खींचेंगे तो टूटेगा, इस तरह से प्रेस करके इस तरह से यहाँ पे लॉक रहता है इसका। यहाँ पे देखिए इससे पानी अंदर शावर पानी होता है कपड़ों के धोने के लिए, अपने आप ही लेती है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालेंगे तो इस तरह से आप चार उंगलियों जितना कम रहना चाहिए उतने कपड़े डालना चाहिए अंदर, लगभग 70% जितने कपड़े डालना चाहिए और 30% जितना खुला छोड़ना चाहिए, पूरी पैक नहीं करना चाहिए वॉशिंग मशीन को। अब इसके अंदर कपड़े डालूंगी मैं, सिर्फ पैंट और शर्ट्स डाल रही हूँ, मैंने पहले ही भिगा के भी रखा है कपड़ों को। सबसे पहले मैं पैंट्स डालूंगी, पीछे के साइड को पैंट डालूंगी। अगर आप ज़्यादा कपड़े भी डालेंगे तो वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होगी, एक बार आप कपड़े डाल के छोड़ देंगे तो पूरा अपने आप ही धो लेती है वो। ये पैंट्स डाल दिया है, अब शर्ट्स डालूंगी इनके अंदर। अगर थोड़े से गंदे हैं कॉलर और कफ शर्ट्स के तो आप अलग से इसे, इसका मिलता है वॉशिंग मशीन का लगाने के कॉलर को और कप को, वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए इतने से डाल दिया है, अब बंद कर दूंगी मशीन को। देखिए मैं ये मिक्स फैब्रिक पे रखूंगी ऑप्शन, अब स्टार्ट कर दूंगी इसे। अगर इसमें हम ज़्यादा कपड़े डालेंगे तो वो चालू ही नहीं होगी, ऐसा भी है इसके अंदर। ये देखिए वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है, वो अपने आप ही कितना पानी चाहिए उतना पानी लेगी। ये देखिए रोटेट होना स्टार्ट हो गई है, थोड़े देर के बाद यहाँ पे आप छू के देखेंगे तो ये गर्म लगेगा आपको, क्योंकि अंदर गर्म पानी हुए रहता है ना 40°C पे, यहाँ पे आप छुएंगे तो ये भी गर्म लगता है। ये देखिए अंदर झाग कैसे बना है, एक बार क्लॉकवाइज में रोटेट होती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरह से रोटेट होती है वॉशिंग मशीन। जो अंदर स्टील के जैसे बबल्स जैसा है ना, वहाँ पे कपड़े घिसे जैसा होते हैं, बहुत ही अच्छे से धुल के आते हैं। ये देखिए 25 मिनट में पहली बार पानी बाहर जाता है, अब पूरा पानी बाहर चला गया। ये देखिए पूरा रिंस हो रहा है, अंदर का झाग वाला पानी पूरा बाहर निकल रहा है। वॉशिंग मशीन 3 बार पानी अंदर लेती है और 3 बार निकालती है, जब हम 1 घंटा 8 मिनट पे रखें ना मिक्स फैब्रिक पे। अगर हम एक्सप्रेस वॉश पे रखेंगे तो 2 ही बार पानी अंदर लेती है और निकालती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने नहीं ऐड किया इसके अंदर। देखिए 7 मिनट बचे हैं, 3री बार पर पानी बाहर निकल चुका है। अब कपड़ों को ये नुचेड़ रही है और सुखा रही है, 7 मिनट तक ये ऐसे स्पिन करेगी, सूख के आएंगे कपड़े, हल्के से सूख के आएंगे, सिर्फ मॉइस्चर रहेगा कपड़ों के अंदर। पूरा खत्म होने के बाद अपने आप ही वहाँ पे एंड शो करता है। ठीक है कपड़े धुल चुके हैं, अब निकाल लेंगे इनको। ये पूरी तरह से सूख चुके हैं, सिर्फ मॉइस्चर है कपड़ों के अंदर, अब इनको सूखने के लिए डाल दूंगी। और थोड़ा सा काम रहता है इस वॉशिंग मशीन का, इतना ही नहीं, देखिए ये रबर रहता है टाइट बैठने के लिए, डोर टाइट बैठने के लिए। यहाँ पे पानी रहता है, इसे पोंछ लेना चाहिए, ये क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। और इसे भी इस तरह से पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। या फिर आप ऐसे ही रखिए, यहाँ पे कपड़ा रख दीजिए, मैं यूजुअली ऐसा ही करती हूँ, यहाँ पे कपड़ा रख के छोड़ देती हूँ 1 दिन के लिए, उसके बाद वो पूरा पानी सोख कर लेता है, उसके बाद निकालती हूँ। देखिए यहाँ पे भी पानी रहता है, इसे भी पोंछ लेना चाहिए धोने के बाद। यहाँ पे देखिए पानी है, इसे पोंछ लेंगे, सब कुछ सूखा करना चाहिए। कपड़ों में कॉइन वगैरह चली गई है तो इसे भी आप निकाल सकते हैं, इसे खोल के निकाल सकते हैं आप, इस तरह से कॉइन भागे ऐसे करिए खुल जाएगा ये जो है ना, इसे खोल के लेंगे तो अंदर कॉइन वगैरह गिरी है तो वहाँ से निकल जाएगी बाहर।